हेलो पीपल, कैसे आप सब लोग? बड़े दिनों बाद मैं वीडियो बना रही हूँ। यस, बड़े दिनों बाद हम वीडियो बना रहे हैं। कैसे आप सब लोग? हम आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल अवी अम्वी एंड फैमिली में। एंड आज बहुत अच्छा दिन है। आज हमारा है वेंसडे एंड द रीजन बिहाइंड इट कि हम बहुत दिनों बाद बना रहे हैं ब्लॉग, क्योंकि आज हम जो है एक जगह जा रहे हैं और रास्ते में बताएंगे आपके हम कहाँ जा रहे हैं, बट वी आर गोइंग आउट ऑफ स्टेशन, आउट ऑफ दिल्ली, सो वी आर ऑन द वे। अभी हम चलते हैं, रास्ते में बात करते हैं और देख लीजिए रास्ता काफ़ी ड्राइव कर रहा हूँ। ठंड जब घर से निकले तो मस्त जैकेट वैकेट पहन के मफलर वफलर कैप वैप लगा रखी थी मैंने, बहुत ठंड हो रखी थी, बट नाउ अभी बढ़िया धूप खिल गई है और अब गर्मी लग रही है। पहले मफलर उतरा, फिर कैप उतरी, फिर जैकेट उतर गई, अब मतलब गर्मी हो गई है। एंड आई होप कि रास्ते में हमें ऐसे ही मिले, फॉग ना मिले। चाहते तो हम यही थे कि हम उजाले में पहुंच जाए, बट अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली कहीं हमें देर हो गई, कहीं रास्ते में हम फंस गए थे, ट्रैफिक वगैरह भी बहुत मिला, बट चलो दैट इज़ समथिंग डिफरेंट, कुछ अलग चीज़ है। बट हाँ, यस, द मेन थिंग इज़ दैट कि हम बेसिकली पहाड़ों में जा रहे हैं और पहाड़ों में हम कहाँ जा रहे हैं वो आपको बताते हैं, बट हमारा एक डेस्टिनेशन उसमें जो है बीच में हम कहीं पे स्टे करेंगे एक दिन आज रात को, फिर उसके बाद हम आगे और निकलेंगे। ये आपको व्लॉग में हम रास्ते में बना देंगे। अभी तो फिलहाल अभी हम लोग हैं गाजियाबाद में पहुंचे हैं। हाँ जी, गाजियाबाद। और जो है हम आगे आगे आपको बताते हैं कैसे कैसे क्या क्या कर रहे हैं। गंदी वाली धूप तो नहीं बोल सकती, बट हाँ धूप है, गर्मी हो गई है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कपड़े धीरे धीरे उतर गए हैं, बट ज्यादा नहीं उतारने की, अभी ठंडा लग जाए हमें। हाँ। कि पहाड़ों में जाने से पहले ही ठंडे पड़ गए हम। और अभी तो अभी उसकी रिंगे उठना स्टार्ट हो गई, तो अभी एकदम शांति से लेट गया। जो इसको पहाड़ों में होती है लोगों को, इसको प्लेन मेरे को भी होती है, मेरे को भी होती है, बट अभी प्लेन से तो मेरे को नहीं है, बट इसको गाड़ी में बैठ के थोड़ी देर बाद हो जाता है, हो जाएगा थोड़ी देर में इसका हो जाती है, रिंगे उठती है, चुपचाप शांति से बैठ जाता है एकदम। अभी अभी हमने वो खाए थे, अमरूद खाए थे काले नमक के साथ, मम्मी ने दिए थे। नाक थोड़ी थोड़ी बंद हो रही है, चाय पीने का मन कर रहा है। घर से चाय तो लेके आए थे, लापता बट हमारे ये जो फच्चे बने हुए ना उनमें ये लापता हो गई है। बच्चों के साथ ऐसा ही होता है कि सामान वगैरह थोड़ा ताम झाम थोड़ा ज्यादा ही लेके चलना पड़ता है, कब क्या जरूरत पड़ जाए। और ये सामान अगर आप देखेंगे तो हम सिर्फ 3 दिन के लिए जा रहे हैं, एंड ऐसा लग रहा है कि हम घर ही शिफ्ट कर रहे हैं, मुझे तो खासकर ऐसे ही लग रहा है। और मेरा बैग तो सिर्फ एक ही बैग में, वो भी पिट्ठू बैग जो होता है उसी में ही सारे कपड़े आ गए, वो भी सर्दी हो गए। बट बच्चों के साथ होता है ऐसा कि बच्चे ये हाँ ये बोल सकते हैं, हमने दिल को दिलासा दे सकते हैं हम कि बच्चों के साथ ऐसा होता है, और 3 दिन के लिए 30 जोड़ी कौन लेके जाता है? ऐसा नहीं है, हर घंटे के हिसाब से भी एक अभी बहुत कपड़े गंदे करता है और कपड़े धोने वोने तो नहीं है। हाँ चलो बच्चों का तो समझ भी आता है, बट अपन के मम्मी का एक बैग है, मेरा एक बैग है और अभी का एक बैग है और एक मेरा बैग नहीं है, एक पिट्ठू बैग है। तो आजकल सर्दियों में इतने कपड़े हो जाते हैं कि कोट है, जैकेट है, स्वेटर है, स्वेटर है, कोटे हैं, टी शर्ट है, पैजामे है, 3-4 तो मेरे कुर्ते कुर्ते कुर्ते, 3-4 मेरे, 2 तो सूट है, 2 जैकेट है, 2-3 मम्मी का तो बोल सकते हैं, मम्मी तो ठंड में भी नहा लेती है, पता नहीं वहाँ पे नहाया ना नहाए ऐसा हो नहीं सकता, तो नहाएगी ही नहाएगी, लेकिन तो रोज नहाते हैं लेट्स सी कि वहाँ पे क्या टेम्परेचर मिलता है क्या नहीं मिलता। ऐसा थोड़ा कि वहाँ पे नाना है, वैसे तो बोल रहे हैं सुबह शाम की मतलब पानी भी तो गर्म मिलना चाहिए। काफी सारी चीज है, चलो लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता। वहाँ के हवा से तो वैसे ही हो जाता है। पिछली बार तो मेरे जब हम गाँव गए थे तो मेरा मामा दे देता था मुझे पानी, एक हफ्ते लिए पानी गर्म करना चाहिए, पाँचों ने रखा था बाल्टी। अब थोड़ा ससुराल है कौन बोलेंगे, हाँ मम्मी के ससुराल जा रहे हैं हम। लास्ट हम कब गए थे? अच्छा हमने रिवील कर ही दिया, देखो ससुराल जा रहे मम्मी के ससुराल जा रहे हैं। अब तुम अपने गांव जा रहे हो, तुम भी तो अपने ससुराल जा रही है। अच्छा मेरा अरे मेरा गांव है, मेरा गांव गांव इसका गांव है, इसका गांव है, हम दोनों के ससुराल है, तो हम अपने ससुराल जा रहे हैं और इनका ये तो मेरा गांव है, माय होम टाउन, माय लविंग होम टाउन, दादा का पापा का चाचा का सबका गांव है रे, वो एक ही गांव है हमारा, एक ही गांव में जाएंगे हम सारे के सारे, सारे इकट्ठे होंगे, सारे जाएंगे, और भी वैसे और भी सारे टोटल 4 गाड़ियां जा रही हैं,
बट रीजन बिहाइंड इट कि हम अकेले हैं इसलिए क्यों, क्योंकि सारे अलग अलग जगह से जा रहे हैं और दिल्ली में ही अलग अलग जगह से निकले हैं सब लोग, तो अभी इसलिए एक जगह अलग अलग है, अभी कहीं जाके मिले। बच गए 3:17 हो रहे हैं एंड हम लोग ना एटीएम ढूंढ रहे हैं क्योंकि पहे पहे चाहिए, क्योंकि सुट्टी 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 तेरे पहे चाहिए, सुट्टी 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 टोल टोल के लिए चाहिए और हमने कैश नहीं निकाल पाया तो देख रहे हैं अभी टोल आया कहाँ है। अच्छा मिलेगा ना, उसके बाद कहीं नहीं मिलेगा टोल। हमने यहाँ पे एक होटल लिया है एंड ये है रूम, पानी पी रहा है एंड ये है रूम, पानी पी रहा है, पानी। सो ये है वॉशरूम एंड ये है रूम, रूम दादी पहले ही हमने अपना घेरा डाल चुकी है, पता लग रही है कमर दर्द हो गई सुबह से बैठे-बैठे। और अभी अपना हेलो से हाय, ओह यू आर ईटिंग कुकी, यस ओके यू लाइक इट, यस।
ये ऊपर से ऋषिकेश का व्यू है जहाँ पे हमने होटल लिया है ना वहाँ पे। अभी आ जाओ, आपने ऑर्डर दे दिया क्या? बोल रहे हैं प्लीज बना दो।